किसान भाइयों नमस्कार। किसान भाइयों आप सभी का हमारे YouTube चैनल में फिर से स्वागत है। किसान भाइयों बात करने वाले हैं कि पेड्डी गन्ने में हमें दूसरा खाद कौन सा डालना है। किसान भाइयों जब हम अपने गन्ने की बुआई करते हैं और बुआई करने के बाद हम अपने पौधे गन्ने को काटने के बाद जो बारी आती है वह आती है पेड्डी की। पेड्डी भी सभी किसान भाई चाहते हैं कि पेड्डी से भी उतना ही उत्पादन मिले या फिर पौधे गन्ने से ज़्यादा उत्पादन मिले, तभी आप किसान भाई एक अच्छे मुनाफे में आ सकते हैं। तो किसान भाइयों आज की वीडियो में बताने वाले हैं कि कौन सा हमें खाद डालना चाहिए, कौन सा स्प्रे करना चाहिए या ऐसे कौन से कार्य करें जिससे कि गन्ने की ट्रेडिंग, गन्ने की पैदावार बहुत ही अच्छी ले सके। तो वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि हमारे आने वाले सभी वीडियो आप तक पहुँच सके। तो किसान भाइयों शुरू करते हैं आज की वीडियो। वीडियो में पहले बात करते हैं इस खाद की कि हमें इस समय पर कौन सा खाद देना चाहिए। किसान भाइयों पेड्डी गन्ने में जब आप पहला पानी लगाते हैं तो पहले पानी पर आप सभी किसान भाई लगभग नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश तीनों ही मुख्य पोषक तत्वों की पूर्ति कर देते हैं। चाहे वो DAP की मदद से करो, चाहे NPK की मदद से करो या फिर चाहे आप सुपर फास्फेट की मदद से करें। तो लेकिन किसान भाइयों आपको दूसरे पानी पर आपको जो खाद डालना है उसमें आपको सबसे पहले लेना है 30 किलोग्राम यूरिया। आपको यूरिया ज़्यादा नहीं लेना है क्योंकि यदि आप इस समय पर यूरिया ज़्यादा लेंगे तो किसान भाइयों आपके जो पेड्डी गन्ना है उसमें रोग लगने की ज़्यादा संभावना हो जाएगी क्योंकि आपने पहले पानी पर ही यूरिया का उपयोग किया है। तो आप इस समय पर 30 किलोग्राम यूरिया ले लें और उसके साथ ही आपको लेना है 10 से 12 किलोग्राम फेरस सल्फेट। किसान भाइयों फेरस सल्फेट आपने देखा भी होगा कि आपके जो गन्ने की पत्तियाँ है वह पीली पड़ रही है, तो किसान भाइयों उसमें ना तो कोई रोग है, ना कोई सुंडी है, ना कोई कुणसवा है, ना टॉप बोरर है, ना ही कोई फंगस की बीमारी है, लेकिन फिर भी पत्तियाँ पीली हो रही है। कोई स्प्रे, कीटनाशक के स्प्रे कर ली, फंगिसाइड ही कर ली, वो पीली ही रह रही है, हरी नहीं हो रही है। तो किसान भाइयों आपको ये पहचान है यदि आपके खेत में फेरस की कमी है, आयरन की कमी है तो इस कारण से पत्तियाँ पीली पड़ रही है। साथियों आपको 10 से 12 किलोग्राम फेरस सल्फेट लेना है और इसके साथ ही आपको लेना है 30 किलोग्राम यूरिया। आपको अच्छे से मिक्स कर लेना है दोनों को और गन्ने में लाइन लाइन में डलवा देना है और अपने गन्ने की अगले दिन सुबह ही सिंचाई कर देनी है। आपको ध्यान रखना है कि कोई भी खाद डाले आप शाम के समय ही डालें और शाम के समय डालने के बाद अगले दिन अपने गन्ने में सुबह ही आप सिंचाई कर दीजिए। किसान भाइयों सिंचाई करने के बाद जब आपके खेत में पैर बैठना स्टार्ट हो जाए तो उस समय पर आपको एक स्प्रे अपने गन्ने के ऊपर करना है। स्प्रे के रूप में आपको लेना है 1 किलोग्राम NPK 19-19-19। आप इस समय पर NPK 18-18-18 भी ले सकते हैं, NPK 20-20-20 भी ले सकते हैं। कोई सा भी एक NPK ले लीजिए और अपने गन्ने के ऊपर स्प्रे कर दीजिए। साथियों आपको इससे फ़ायदा बहुत ही तगड़ा देखने को मिलेगा। आपके गन्ने का जो ग्रोथ है वह शानदार चलेगी, उसका जो रंग होता है गन्ने का बिल्कुल गाढ़ा हरा हर रंग का हो जाएगा। आप यदि देखेंगे मात्र 10 से 15 दिन के बाद ही जब भी आप अपने गन्ने को दोबारा देखेंगे तो आपको अपने गन्ने की ग्रोथ बहुत ही शानदार मिलेगी। बहुत से किसान भाई क्या करते हैं कि DAP डाल दी, सिंगल सुपरफास्ट डाल दिया, यूरिया डाल दिया, पोटाश डाल दिए, लेकिन वे छोटे छोटे मुख्य पोषक तत्व तो नहीं डाल पाते। और बहुत से किसान भाई तो ऐसे हैं जिन्होंने कई वर्षों तक फेरस का उपयोग किया ही नहीं है। इसलिए आपको इस समय पर दूसरा पानी सबसे अच्छा सा पानी, जब आप अपने पेड्डी गन्ने में दूसरा पानी लगाते हैं तो वह सबसे अच्छा समय होता है। क्या होगी स्टार्ट में फोटाओ के खाद डाल दिए, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश सब डाल दिया, सागरिका, सल्फर सब डाल दिया, तो इस समय पर आपको यूरिया और फेरस सल्फेट लेकर के अपने खेत में डाल देना है। किसान भाइयों आपको इस बात यहाँ पर ध्यान रखनी है कि फेरस सल्फेट के साथ आपको कोई अन्य चीज़ नहीं मिलानी है, आपको केवल यूरिया और फेरस सल्फेट ही लेना है। यदि फेरस सल्फेट के साथ आपको कैल्शियम, बहुत से किसान भाई सोचते हैं कैल्शियम नाइट्रेट ले ले, आपको जिस भी खाद में लास्ट में नाइट्रेट लग जाए वो आपको फेरस सल्फेट, और जो जिस खाद में लास्ट में सल्फेट होता है आपको सल्फेट को नाइट्रेट के साथ नहीं मिलाना है। आप केवल फेरस सल्फेट और किसान भाइयों यूरिया, मात्र इन दो खादों को लेकर के अपने गन्ने में बिखराव करवा दीजिए और अपने गन्ने में एक NPK का स्प्रे कर दीजिए। आपको बहुत ही लगभग 10-15 दिन के अंदर ही आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो किसान भाई ये उम्मीद करता हूँ आपको आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।